In such, I am cutting the cone in such a manner that it is cutting all the generators. मतलब प्लेन को हम थोड़ा झुका लेंगे, थोड़ा बीच में हिंदी इसलिए जरूरी है कि हमारे साहब ने कोई कहा था, त्यागी जी ने किसने कहा था कि जो है थोड़ा हिंदी बीच बीच में, लेकिन सारे बच्चे तो इसलिए समझ रहे हैं ना, यूपी बोर्ड के लिए कितने लोग नहीं समझते, समझ रहे हैं इंग्लिश, हमारी इंग्लिश कितने लोग इंग्लिश नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे बिल्कुल कुछ भी नहीं, तो कौन सी भाषा बोले हैं? कितने लोग हिंदी चाहेंगे मैं बात करूं, कितने लोग इंग्लिश, इंग्लिश कितने लोग चाहेंगे मैं बोलूं? अच्छा, और हिंदी कितने लोग चाहेंगे मैं बात करूं? गोंडा डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, पैदा हुआ था, और जो इंग्लिश आपको प्रॉब्लम हो रही है उससे ज्यादा हमको प्रॉब्लम हुई, यू विल नॉट बिलीव, बहुत स्ट्रगल मुझे करना पड़ा इंग्लिश के लिए इंटरनेशनल लेवल। अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए हैं वहीं आना चाहते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर अपने डिस्ट्रिक्ट से अपने स्टेट से आगे बढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश को आपको अपनाना पड़ेगा। अगर हर जगह भागते जाएंगे इंग्लिश कैसे सीखेंगे? कुछ सुनेंगे तभी तो सीखेंगे। लैंग्वेज मैथमेटिक्स कम्स बाई डूइंग, मैथमेटिक्स कम्स बाई लिसनिंग, लैंग्वेज का ऐसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। गाजर लेकर जाइएगा, सुंदर गाजर कॉमिकल, और उसको सारा सेक्शन समझ लीजिएगा, तो ये होगा। अब इसी जिसको जब आपका कौन है, सो व्हेन यू आर योर गाजर इज हियर, यू आर कटिंग वेरी क्लोज इन द पॉइंट कटिंग स्लोली 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 सर्कुलर डिस इंक्रीजिंग रेडियस रेडियस पैटर्न पैटर्न रेडियस पैटर्न इन डायमीटर पैटर्न इन एरिया पैटर्न इन सगम बिल्कुल इलेप्टिकल डिस अगेन पैटर्न इन सेमी पैटर्न मेजर एक्सिस पैटर्न माइनर एक्सिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो यू कैन देन स्टडी। सो इन योर एलिप्स इलेप्टिकल सेक्शन में कॉनिक सेक्शन में इलिप्स एंड दैट इज दिस यू। सो सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन क्या है? नाउ अगेन विद द हेल्प ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर इंक्लाइन एंड कटिंग ऑल द जनरेटर अगेन इंक्लाइन। इन द टेक्स्ट बुक वी हैव गिवन टू एंगल अल्फा बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अर्थात लेस देन बीटा अर्थात दैट, बट मैथमेटिकली यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सो अगेन टिल्ट यू आर प्लेइंग इन सच ए मैनर that it is parallel to the generator, your plane is parallel to the generator, and parallel to generator means it will not cut all the generator, it will cut only few, and few means this section, and this section is parabola. So parabola is this is parabolic disc again, when cone is hollow cone then your parabola. So Tyagi ji, this will be your part of your life. वहां भी कॉनिक सेक्शन आई थिंक यू हैव नो, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट। सो दिस इलेप्टिकल एंड देन द फोर्थ वन इज योर फोर्थ वन डबल कोन, सो वन कोन इज हियर एंड अदर कोन इज हियर, डबल कोन, वन कोन इज हियर एंड अदर कोन, एंड द फोर्थ इन द फोर्थ पोजीशन योर प्लेन विल बी पैरेलल टू द जनरेटर, नॉट पैरेलल टू एक्सिस, it was parallel to generator, now fourth position parallel to generator, so parallel to generator means it will make the cut this way and uppermost cone is there, one part upper cone in upper cone and another part lower cone, so that will be your high part. So this is the conic section for section, can you make now? So after going back wooden piece lekar banaiye और घर में रखिए अपना सुंदर सा डबल कोन, यहाँ सिंगल कोन ही लेकर आ रहे हैं, डबल कोन रखिए और उसको इस तरह से जमरू जो रखिए उसको काटिए और बनाइए। सो दिस इज द कॉनिक सेक्शन एंड यू नो कॉनिक सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस कांसेप्ट कॉनिक सेक्शन बिकॉज़ नाउ एग्जैक्ट डिस्टेंस जस्ट सी आई एज सेकेंडरी स्टेज यू आर सिलेंडर कोन एंड थ्री टाइम्स इफ यू पोर हियर सेम हाइट सेम रेडियस थ्री टाइम्स यू पोर हियर देन इट इज फिल्ड अप। So, volume of this pi r square है, volume of this 1 by 3 pi r square है, ठीक है? But same thing you combine here, your missile is ready. And missile ready means this distance is known, and this distance is known, and therefore Mangalyaan distance is known. And exactly our scientists are sending. आप लोगों में कभी देखिएगा, space science में जाएंगे, आप देखिए कितने researches हमारे scientists कर रहे हैं, और एक दिन आएगा 10 साल के बाद कितने लोगों कंट्रीज को कंट्री हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं मिसाइल के बारे में, अमेरिका को भी आप ऊपर कर देंगे आगे अच्छा जाएंगे, अभी तो अमेरिका में क्या गोल्ड ब्रेन है
वो सारा ब्रेन हमारा इंडिया का यही बच जाए, यही जाएगा, आप लोग नहीं जाएंगे, आप देखिए कितने साइंटिस्ट यहाँ पैदा हो जाए। सिंपल, आई वॉज जस्ट थिंकिंग दैट आर्यभट्ट ने तो अप्रॉक्सिमेट बताया था, एग्जैक्ट कैसे हो गया, तो एग्जैक्ट का मिसाइल इस तरह से जा रहा, ये भी डिस्टेंस पता है एंड सेम हाइट ये भी पता है, और डिस्टेंस पता है तो वेलोसिटी भी पता है, तो अपना समझ गया कि कितना टाइम लगेगा उसमें, एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो रहा है, सारी मैथमेटिक्स है। लेकिन फाउंडेशन कैसे स्टार्ट होता है, प्राइमरी स्टेज यू हैव स्टडीड शेप, इफ शेप इज क्लियर देन अपर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी सरफेस एरिया वालू, हायर सेकेंडरी 11 स्क्वायर मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द एच एन आर, बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, राइट, बी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो योर वेरिएबल आर एल डी बाई डी आर यू हैव टू टेक, आर डी बाई डी एस यू टेक, सम टाइम यू फील दैट डी एस डी बाई डी बाई डी एफ यू आर नो अनदर ब्रांच ऑफ नॉलेज, सो दिस इज द पावरफुल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एंड अदर ब्रांच थ्रू लर्निंग बाई डू। So learning by doing what I do, learning by teaching also, learning by doing and teaching by doing also. इसमें कितने टीचर्स आए हैं? एक, दो, तीन, चार। अब ये चार टीचर जो आप लोग आए हैं, प्रचार करिए अपने पूरा यूपी में लर्निंग बाई डूइंग। और ये भी आपको ओपन ऑफर है मेरा कि 100 टीचर इकट्ठा हों, 60 टीचर मैं आऊंगा आप लोगों को लर्निंग बाई डूइंग। बलिया के थे कोई जानता है कहाँ थे? उनका प्रोफेसर है, उनका नाम है यार थोड़ा नहीं आएगा अभी, आर्ट इंटरसेक्टिंग, देयर आर टू पॉसिबिलिटी यू प्लीज एग्जामिनेशन, बट इफ यू आर इन द स्पेस देन पोजीशन कुड बी डिफरेंट, एंड व्हाट विल बी डिफरेंट हियर, 12th क्लास स्टूडेंट इज आल्सो देयर, व्हाट विल बी दैट पोजीशन if two lines are not in same plane, if they are different in different planes, then what will be the name of these two lines? Skew lines. Well, मैं पढ़ा दिया होगा भाई पीडी skew lines. अब मैं क्या उस पर जोर दे रहा हूँ, कल ही मैं पीडी की जो इंटरव्यू दे रहे हैं 10 कैंडिडेट इंटरव्यू दिए, skew lines अभी पढ़ाने जा रहे हैं 11th 12th में, अपॉइंटमेंट हो रहा है, I'm not criticizing. जो पोजीशन है, चार फर्स्ट क्लास है, इंटरव्यू देने आ रहे हैं बीएड करके, इस क्यू लाइन जैसा ही वाला आस्किंग दिखाई देते हैं 12th का, नहीं, सो इन प्रोविजन ऑफ इस क्यू लाइन विल बी देयर इन द प्लेन दिस इंटरसेक्टिंग दिस, इस क्यू लाइन मींस दिस नॉट इन सेम प्लेन, एंड इफ दे आर नॉट सेम प्लेन दे आर कॉल्ड स्क्यू, एंड वंस वी हैव इस क्यू लाइन देन यू आर आस्क्ड फॉर 6 मार्क्स क्वेश्चन इन बोर्ड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस And the line is here, one line is here, the line is the third line. These are the skew line. This line and this line is skew line. Right? Now, sorted system. So this is conceptual. Why I am explaining? Because 11, 12 yesterday when PGT is not coming. So now if you understand, you can make simple model and see that this is the sorted distance between you and skew line. Once you understand, then you take the A2 minus A1, cross product and finish, come to, you will never forget that 6 mark question. So learning by doing. All the time you forget the formula, but you have understood, learning by doing, you will always learn. And then apply application in even your airport or railway station, everywhere such type of things are joining is there, skew line, some not same plane, lots are there, and they are joined, the smallest, the only shortest. So if you have to spend less money, shorter distance you will take. If you require to spend more money, longest distance you will make. वो बंगाल में हम जाते हैं तो वहाँ की बिल्डिंग इतनी सस्ती है और टिकाऊ, सुंदर टिकाऊ बिल्डिंग, और वही दिल्ली में आते हैं तो ह्यूज एक्सपेंडिचर, क्यों पैसा है खुद लगा रहे हैं, बंगाल में देखा सिंपल बिल्डिंग और खुद क्यों मैथमेटिक्स लगा रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर खूब लगाओ, कोई एस्टिमेशन नहीं है, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। जैसे दिल्ली का कॉरिडोर जो है कौन बीआरटी जो है ध्वस्त किया जा रहा है, पहले पैसा खर्च कर दिया सोचा ही नहीं, अब उसको तोड़ा जा रहा है। ऐसे हमारे यूपी में भी ऐसा ही होता है। माय फिजिक्स नहीं है, पिताजी फार्मर्स हैं, काफी वेरी गुड, काफी लोग हैं, काफी लोग हैं। देखिए अब उनको पिताजी को कहिएगा जाकर मैथमेटिकली किया जाता है खेती, तो वहां खूब अच्छा होता है पैदावार। हमारे यूपी में क्या है, मैं बचपन का याद है, खूब अनाज जो है 1/4 जरूरत है खेत में, वो डालते जा रहे हैं पूरा पूरा गेहूं का, आई रिमेम्बर चाइल्डहुड, डाल दिया पूरा खेत, उसमें 3/4 बेकार गया। मैथमेटिकली करना है, मैथमेटिक्स इज यूजफुल फॉर रोटी कपड़ा और मकान सब जगह मैं कह रहा हूँ। और रोटी का मतलब एग्रीकल्चर में, रोटी वैसे तो मैथमेटिकल है ही है, ठीक है, सर्कुलर है तो मैथमेटिकल है, या है कोई मैथमेटिकल है, रोटी फूल गई तो इलेक्ट्रिक ज्योमेट्री कहते हैं, रोटी नहीं फूली है तो फ्लैट है, यूटिल ज्योमेट्री है, और यूटी अंदर चली गई तो हाइपोटेन्यूज है। प्रॉपर मैथमेटिक्स प्रॉपर आपको अप्लाई किया तो बहुत पैसा बचा रहा है, अब वो आपके लिए पॉकेट मनी बन जाएगा, डबल फायदा है भाई। सीट का जो आप बचाएंगे, पॉकेट मनी पापा दीजिएगा, हम आपका पैसा एकदम बचाएंगे। वाटरिंग है, ट्यूबवेल का दे रहे हैं, तो सब ट्यूबवेल का हो गया है, वो 5,000 रुपए दे रहे हैं, आपने 500 में करवा दिया उनका खेती, वो पैदावार भी बढ़ गई तो 500 पॉकेट मनी बन गई। फर्टिलाइजेशन में है, 1,000 रुपए का आया, आपने 300 रुपए में 200 रुपए में करा दिया, वो भी पॉकेट मनी आपका बन गया, डबल फायदा आपका है। एक तो नॉलेज भी आपका गेन हो रहा, और दूसरा आपका घर में भी, और फादर का कॉन्फिडेंस भी, अपने बेटे को मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत अच्छा किया। नहीं बहुत फ्रस्ट्रेशन है यूपी में, अरे हमारा बेटा ने 12 कर लिया, 11 कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं जाता हूँ यूपी में तो सब घेर लेते हैं कि सर नौकरी दिलाइए नौकरी, अरे मैंने कहा नौकरी दिए तो जाते हैं, लेकिन यूपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ इंग्लिश में सब प्रिंसिपल यही कर, कल भी था मैं तो प्रिंसिपल कहते हैं इंग्लिश बोलना चाहिए, महोदय आप लोगों के लिए है, वो कहें यूपी वाले इंग्लिश नहीं बोलना जानते हैं, क्या करूँ। हम हर जगह मदद करना चाहते हैं वहाँ, लेकिन मजबूर हो जाते हैं कि कहें सर यहाँ पर लड़के तो हंसी उड़ाएंगे अगर नहीं इंग्लिश जानेंगे। तो ये आप लोगों को ये एडवाइस है कि मैथमेटिक्स से भागिए, इससे इंग्लिश से भागिए नहीं गा, जितने वो भागेंगे उतने वो भगाएगा, और जितने उसके पीछे पड़ जाएंगे उतने इजी होता जाएगा। मैंने किया अपनी लाइफ में, आप लोग तो और अच्छे बेटर पोजिशन, ये अलग बात है कि उस समय थोड़ी हमारे टीचर ज़्यादा सिंसियर थे, अब इस समय सुना है कि उतना ज़्यादा सिंसियर नहीं है, लेकिन हम अपने टीचर जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा मानते थे, और आप लोग तो इतना ज़्यादा शायद नहीं हो रहा है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था तो स्टूडेंट बगल से निकलता है हेलो सर, और हम लोग बाइक छूते थे टीचर का अपना, और टीचर पढ़ाते भी अच्छी तरीके से थे। तो आपको गुरुदक्षिणा अगर ज्ञान का लेना है तो टीचर का रेस्पेक्ट तो करना पड़ेगा, राइट, सो लर्निंग बाय डूइंग दिस इज नाउ। थोड़ी और एक्टिविटी बताएं वो और समझना, वो मैनुअल वो आ गई मैनुअल, हाँ देखिए ये लेबोरेटरी मैनुअल इन मैथमेटिक्स एक्ट, और वो किताब की इतनी ड्यूटी थी कि यूपी वाले फिर बहुत बड़ा चेंज लाते हैं। गांगुली साहब सुना होगा, प्रोफेसर गांगुली एक हुआ करते थे, यहाँ के लोग कुछ सुने होंगे, वो सीबीएसई के चेयरमैन थे, इस समय लखनऊ में रह रहे हैं। तो उनसे कहा हमने गांगुली साहब से हैदराबाद में एक मीटिंग में मिले कि हमने लाइव बना दिया है लेबोरेटरी मैनुअल भी, हमने हैंडबुक फॉर डिजाइनिंग मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इन स्कूल भी बना दिया है। तो गांगुली साहब इतना एक्टिव था, मैं डॉक्टर साहब इंट्रोड्यूस कराता हूँ, तो 2004 में गांगुली साहब चेयरमैन सीबीएसई के थे, और सर्कुलर भेजा कि हर स्कूल सीबीएसई के 1 से 8 मैथ होनी चाहिए, और फिर 2005 में उन्होंने सर्कुलर भिजवाया कि 9 to 10 मैथ लैब होना चाहिए। उसके बाद चले गए, रिटायर हो गए। 11-12 की हमारी किताब जब छपी तब तक वो थे ही नहीं, तो 11-12 में अभी भी सीबीएसई सर्कुलर जो है नहीं चला गया, प्रयास में करता रहा, हो सकता है फ्यूचर में। आईसीएससी कितने स्कूलों में मैथ लैब है कहीं यहाँ कहीं, और ये तो हमारे डायरेक्टर साहब हैं नहीं, वो कह रहे थे हम यही सरकार थे, प्राइमरी का लर्निंग बाय डूइंग, अपर प्राइमरी लर्निंग बाय डूइंग, सेकेंडरी लर्निंग बाय डूइंग ट्रेनिंग दिया जाता है, और उसके बाद फिर रिवोल्यूशन किया जाएगा। हमने किट बनवा दिया 1 से 10 तक भी, स्टेज वाइज भी है। अब अगर क्लासरूम में यूज ही नहीं किया जाएगा तो कैसे होगा। तो उसके बाद 2004 में उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी ने बनाया, तो मैंने सोचा कि हम
हैंडबुक फॉर डिजाइनिंग मैथमेटिक्स अथॉरिटी इन स्कूल तो निकाल दिया, लेकिन टीचर ये कैसे उसमें प्राइमरी है, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। फिर मेरे दिमाग में आया कि स्टेज वाइज लेबोरेटरी मैनुअल बनाए, तो स्टेज वाइज लेबोरेटरी मैनुअल बनवा दिया अपने रिटायरमेंट के पहले। लेबोरेटरी मैनुअल इज मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री स्टेज, इसमें जो फैकल्टी के भी बच्चे पढ़ रहे हों ये प्रोटोकॉल करा दीजिए एनसीईआरटी से, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लेबोरेटरी मैनुअल इज मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री स्टेज, लेबोरेटरी मैनुअल इज मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी मीन 9th, लेबोरेटरी मैनुअल इज मैथमेटिक्स एट हायर सेकेंडरी स्टेज। ये आपके सामने एक ही मैं लाया हूँ 11th, अब इसमें लेबोरेटरी एक्टिविटी जो 11th और 12th क्लास दोनों की है और सेल्फ लर्निंग है। आप सब लोग ये डाउनलोड कर एनसीईआरटी वेबसाइट से कर लीजिए और देखिएगा हमने इतनी अच्छी तरीके से दिया है, चाहे रिलेशन हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, या वेक्टर हो, या 3D हो, परमुटेशन हो, या बाइनोमियल का हो, सब एक्टिविटी यहाँ पर दी है। सम ऑफ ए नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, सम ऑफ द क्यूब नेचुरल नंबर, सब बहुत सुंदर तरीके से दिया है कि नेम ऑफ द एक्टिविटी। आई वॉज पर्टिकुलर कि सब जगह तो हम जा नहीं सकते, ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, बट टीचर या स्टूडेंट अपने आप करें। सो नेम ऑफ द एक्टिविटी, मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी, प्रिपरेशन ऑफ द मॉडल, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मॉडल एंड यूज ऑफ द मॉडल। तो ये अगर आप प्रोक्योर कर लेंगे, आप देखिएगा अभी 11th में है और मई जून में सारे एक्टिविटी आप 12th की कर डालिएगा और देखिएगा 12th क्लास में एटलीस्ट आपका मैथ का लोड खत्म हो जाएगा। अभी से शुरू कर दीजिए, सो प्रोक्योर करिए वेबसाइट से डाउनलोड करके। नहीं तो देखिए प्रिंसिपल साहब वो फोन रहते हैं, देखिए तैयारी दे दिए, फट से कॉपी भी इसकी बन गई यहाँ पर, आप डाउनलोड कर लीजिए, फोटो कॉपी से तो अच्छा होगा डाउनलोड जो कराइए और शुरू करिए लर्निंग बाय डूइंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी। तो ये सारी कुछ अब यहाँ तो हम कुछ ही एक्टिविटी करा रहे हैं, तो ये लेबोरेटरी मैनुअल आपकी प्रोक्योर करके यहाँ से आपको बहुत हेल्प होगा। अब एक और एक्टिविटी आपको समझा दें, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ये आपके केवल मोटिवेशन के लिए है, दिखाने के लिए नहीं। अब ये देखिए इतनी डिग्री लेने के बाद हमने मैथ लैब बनाया, यहां कहीं मैथ लैब नहीं है। ये हायर डीएससी हाईएस्ट डिग्री होती है, कैंडिडेट ऑफ साइंस फॉरेन डिग्री हाईएस्ट होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम में गया था मैं, इसलिए बता रहा हूं कि आप ही यहां से तो हम भी निकल कर आए हैं, आप ही स्टेज में थे, हम भी तो उसी थे, इसलिए मोटिवेट आपको कर रहा हूं कि इतनी आपके यूपी में ही पैदा हुआ था, गोना डिस्ट्रिक्ट में, और गोना का है कोई बच्चा यहाँ नहीं, कोई बात इधर अच्छा ये एरिया के होंगे सारे यहाँ कहीं नहीं है। तो अब जो है आप तो ये तो इंस्पायर हो गए कि हाईएस्ट डीएससी डिग्री होती है, कैंडिडेट ऑफ साइंस तो फॉरेन डिग्री होती है, पीएचडी भी बाहर डिफेंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डिग्री है, तो आप जो है इससे भी ज्यादा अचीव करिएगा और 10 साल 15 साल के बाद आप बताइएगा अंकल हम तो और आपसे ज्यादा निकल गए, तो कितनी हैप्पीनेस होगी। जैसे आपके पिताजी को हैप्पीनेस होती है ना, वैसे अपना बच्चा जो है वो आगे निकलेगा, फील्ड मेडल अगर आपको मिलेगा, नोबेल प्राइज मिलेगा और आप तो ठीक है। ये नाम भी नाम हुकुम सिंह तो बहादुर सिंह याद ही रहेगा, हुकुम सिंह, और इस नंबर पर फिर अगर इफाल बोस बेल नंबर वही रहेगा, नहीं यूपी में ही हमने सेटल भी किया है, दिल्ली में 25 साल रहने के 27 साल रहने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब यूपी में मैथमेटिक्स को सुधारना है, तो इंदिरापुरम में मैंने अपना घर दिया ठीक है। तो किसी को इंटरेस्ट खूब मैथमेटिक्स में होगा, मैथमेटिक्स में जिसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट होगा, हमारे पास इतनी किताबें हैं कि कितने पीएचडी कर सकते हैं। विदेश से जब मैं आया तो लोग फ्रिज और टीवी लेकर आते हैं, मैं तमाम 5-5, 6-6 हजार किताबों की फोटो कॉपी करा कर लाया हूँ, उसको बाइंड करा कर रख लिया है, और उसको पढ़कर अगर मैथमेटिक्स में चाहे दुनिया में कितने रिसर्च पेपर कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए, आज तो 60% ऐसा टारगेट है, तमाम पीएचडी जैसे हमारे पास आती है ग्रेजुएशन के लिए, रियलिटी में जो है रिजल्ट नहीं लोग। तो अब इसमें आप यंग माइंड है 11-12 में, जिसको इंटरेस्ट हो मैथमेटिक्स में, कितने लोगों को इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, अरे वाह, अरे वाह, बस स्ट्रांग विल पैदा करना है। स्ट्रांग विल के लिए दो लाइन लिख लीजिए, अब विचार आ गया मेरे सामने तो मैं सोचा इन बच्चों को लिखवा दूं। थॉट्स, वी आर shaped
ऐसा है, वी आर शेप्ड बाय अवर थॉट्स। अभी टूटी फूटी लिख लीजिए, बाद में करेक्ट कर लीजिएगा लंच में, ठीक है। वी आर शेप्ड बाय अवर थॉट्स, फुल स्टॉप। व्हाट वी थिंक वी बिकम। वी आर शेप्ड बाय अवर थॉट्स, व्हाट वी थिंक वी बिकम। क्या मतलब हुआ, कोई बच्चा बताया? We are shaped by our thoughts, what we think we become। हाँ बताए, खड़े होकर बताइए, सब लोग सुन लेना। हम जो सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। और दोबारा बता दीजिए। हम जो सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। देखिए बहुत शॉर्ट में बताया सुंदर तरीके से, We are shaped by our thoughts, what we think we become। मैं हमेशा यही सोचता था, हे प्रभु ये नोबेल प्राइज और फील्ड विनर तो हमने पता ही नहीं था, हमको भी नहीं पता था, आज भी वो आपको बता दिया। हमेशा सोचता था कि हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। और हाईएस्ट डिग्री जब यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, फिर पता लगा बीएससी भी डिग्री कोई होती है, हाईएस्ट डिग्री डॉक्टर ऑफ साइंस होती है। तो मैंने सोचा इसको भी नहीं छोड़ूंगा, इसको भी थॉट्स। और एनसीईआरटी फर्स्ट डीएससी एनसीईआरटी 55 ईयर हिस्ट्री में, एनसीईआरटी लेक्चर लीडर प्रोफेसर 500 और 55 साल में कोई डीएससी नहीं है। ये आपका ही भाई बड़ा खड़ा है आपके सामने। ये कोई घमंड की बात नहीं है, ये आपको शो करने की, बूस्ट करने की बात नहीं है, ये फेवर है आपको मोटिवेट करने की कि आप में भी वही है, वही एनर्जी है, वही ब्लड है, सब कुछ वही है। हमारे समय में तो बहुत अभाव था पढ़ाई लिखाई का, अब तो अच्छे अच्छे स्कूल तमाम आ गए हैं, फैसिलिटीज हो गई हैं। हम लोग जर्नल के लिए आईटी वगैरह भी जाते थे तब, आपको इंटरनेट डाउन खोलिए, सारी फैसिलिटी है, वेबसाइट इतनी ज्यादा, विकिपीडिया खोल लीजिए, सारा एक्सप्लेनेशन आ रहा है। आप तो बहुत, आपको तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सो वी आर शेप्ड बाय योर थॉट्स, व्हाट वी थिंक, एवरी डे यू थिंक I will become Nobel Prize winner. I will become, you will become Nobel Prize winner. I will become field medalist. I will be first Indian. अभी किसी इंडियन पर बताया, अब किसी भारतीय को फील्ड मेडल नहीं मिला। अब बहुत लोग हाथ उठाए हैं, मैं थोड़ी साहब को लाइक करते हैं, हार्ड वर्क करिए। और पता लगा आप 30 ईयर, वो अभी मंजुल भार्गव को पिछले साल जो नोबेल प्राइज मिला है, जस्ट ही वॉज कंप्लीटिंग 40 ईयर। और पहला फील्ड मेडल जो मिला था किसी वर्ल्ड में किसी को, वो 27 ईयर में ही मिल गया था, एट द एज ऑफ 27 अप्रॉक्सिमेटली, राइट। तो ऐसा नहीं असंभव है, अगर आपको इंटरेस्ट है मैथ में अभी से ही लग जाइए। और बेसिक कॉन्सेप्ट अभी सारी एरिया जो है एनालिसिस आपका है, वेक्टर, अब आप एनालिसिस कर लीजिएगा आपस में, अपने माता पिता को मोबाइल सुबह शाम को सुबह दे दीजिए और शाम को ले लीजिए कि कुछ हमको डिस्कस करना हो, उतने रखिए बस मोबाइल पर और कुछ नहीं। वैसे हमारे यूपी में तो बच्चे बड़े डिसिप्लिन हैं, फिर भी कुछ लोग पेरेंट्स कुछ स्मार्टफोन आजकल दे दिए हैं, उसी में हर समय चलता है। अब वन सेल, ये सारे बच्चे जो नहीं लिख पाए हैं बाद में अपने नुक्कड़ से लिख दीजिएगा, राइज अबव वन सेल, राइज सूर्य चित्रा से उठता है ना, राइज अबव वन सेल्फ, राइज अबव वन सेल्फ एंड ग्रैस्प द वर्ल्ड, GRASP, ग्रैस्प, राइज अबव वन सेल्फ एंड ग्रैस्प द वर्ल्ड, वर्ल्ड 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 WORD नहीं, WORLD, राइज अबव वन सेल्फ एंड ग्रैस्प द वर्ल्ड। अब इसका मीनिंग कौन बताएगा? राइज अबव वन सेल्फ है ऑल द टाइम स्माइल, मैथमेटिक्स जब डिस्कशन होना स्माइल और थिंक दैट मैथमेटिक्स इज मोस्ट इजी। अगर कोई चीज डिफिकल्ट है तो दूसरा मैथमेटिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि इट इज एवरीवेयर। सिलेंडर है तो वहां देखिए सिलेंडर लाइट द वर्ल्ड। और आप में से बहुत सारे कहे मैथमेटिक्स हमको आती है, और मैथ का अगर जब फील्ड मेडल आपको मिल जाएगा और उसको जब आप देखेंगे राइज अबव वन सेल्फ, तो हमको शायद याद कर हुकुम अंकल हाथ में कर लो दुनिया मट्टी में।
कल वो दुनिया मुट्ठी में है, कल वो दुनिया मुट्ठी में वही है। राइज देखो वन ग्लैड टू वर्क, पूरी दुनिया को मुट्ठी में, और फिर आपका पूरे देश जो मेरा सपना है, तो अगर मैं रहा तो रहा, लेकिन आप ये कहेंगे कि अंकल को शांति तो मिलेगी। अब आप बताइए क्यों लोग आए थे, केस लगाइए, खुशू के यहाँ से। और अब चूंकि आप जीएसटी के प्रोग्राम के हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसलिए जरूरी है बताना यहाँ साइंटिस्ट के बारे में। सिक्स और भी मार्क्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। एनी अदर आंसर, हाउ मेनी पार्ट्स? तो कोई बात नहीं, यही आंसर सबने क्या आ रहा है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स भी कुछ टीचर्स भी बताते हैं, सब हम टेस्ट करते हैं इस चीज को। इसीलिए अब व्हाई इट इज नॉट क्लियर, बिकॉज़ दिस इज 3D, दिस इज 3D, एंड 3D पिक्चर इज मेड इन 2D इन टेक्स्ट बुक, एंड देयर विजुअलाइजेशन इज नॉट देयर, एंड देयरफॉर कांसेप्ट इज नॉट क्लियर। सो फॉर दिस आल्सो वी आर मेकिंग ए मॉडल, एंड देन इट विल बी जेड एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हाउ मेनी पार्ट्स? हाँ, कितने पार्ट्स? और जो दम वाले हैं उनका कुछ क्लियर हो रहा है? और जो छह वाले बताए हैं वो छह भी है यहाँ पर? नहीं है ना। और बारह वाले जो बताए, 12 पार्ट यहाँ नहीं है ना, तो इसको और हम क्लियर करते रहेंगे, जिसे आप जाकर संडे को सब लोग बनाइएगा। ये प्लेन है ना, सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अब हमने इस तरह से कर दिया इस प्लेन को, सो एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया, तो घर में जाकर सब बनाइए 11 12 वाले, ये 11 12 भी दी है, 12 में 6 नंबर का आता है सवाल इस 3D में, या 10 नंबर का शायद है। और फिर हमने इसको एक प्लेन एक्स वाई प्लेन हो गया, अब हमने यहाँ पर देख लीजिए आपका ये प्लेन कर लिया, फिर ये प्लेन आपका ले लिया हमने, राइट, सो एक प्लेन ये हो गया, दूसरा प्लेन ये हो गया, तो ये एक्स है और ये जेड है, तो जेड प्लेन ये हो गया। अब उसके बाद हम एक और प्लेन बना ले रहे हैं, वाई जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, तीनों प्लेन ले लिया हमने, और ये आपका बन गया। तो इसको क्या कहते हैं, ट्वेल्थ में पढ़ा दिया गया हो, 11th में भी डाला है अपने किताब में, क्या है, 3D है। और ये कितने पार्ट्स हैं इसमें, एट पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब तो नहीं चार आंसर होगा।